इरफान पठान भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम है और वो एक दौर में भारत के स्ट्राइक गेंदबाज भी रहे हैं। पिछले 10 सीजन तक उन्होंने आईपीएल में दम भी दिखाया। इस बार की नीलामी में उन्हें लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। मगर अब बीसीसीआई के बड़े फैसले के बाद इरफान पठान की आईपीएल में वापसी हो गई है। इरफान के साथ साथ नीलामी में नहीं बिके दो और बड़े खिलाड़ी अशोक डिंडा और रजत भाटिया की भी आईपीएल में वापसी हो रही है। हालांकि वापसी थोड़ी सी अलग है, वो कैसे आपको बताते हैं। असल में बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल के लिए कमेंटेटर के नामों की घोषणा की है और इसमें सबसे बड़ा नाम है इरफान पठान। हाल ही में जम्मू कश्मीर रणजी टीम के मेंटोर नियुक्त किए गए इरफान को आईपीएल 2018 सीजन के लिए ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन अब वो हिंदी में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। 34 साल के बंगाल के क्रिकेटर अशोक डिंडा इस बार मैदान के बाहर कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे। वो बंगाली कमेंट्री टीम में शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, पुणे वॉरियर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला था। पिछले साल आरसीबी के लिए डिंडा ने 3 मैच खेले थे जिसमें उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। इस बार ऑक्शन में उन पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई थी, लेकिन अब वो भी कमेंट्री बॉक्स में हाथ आजमाते नजर आएंगे। 38 साल के रजत भाटिया भी हिंदी में कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओर से खेल चुके इस ऑलराउंडर को नई भूमिका दी गई है। आईपीएल करियर में 95 मैचों में 342 रन के अलावा 71 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी का पिछले साल प्रभावी प्रदर्शन नहीं रहा था। उन्होंने पुणे की ओर से 3 मैच खेले और सिर्फ 16 रन बना पाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए। तो अब ये तीनों खिलाड़ी मैदान में तो अपना जलवा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के जरिए इनकी आईपीएल में वापसी हो गई है और फैंस के साथ ये जुड़े रहेंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।